सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी हमने नाश्ता लाया था, सो खाते हैं। सो हमने चाइनीज पकौड़ा और चाइनीज बेल लाया था खाने के लिए। जीजू ने चिकन लाया कबाब बनाने के लिए, सो बनाते हैं। सो 1 kg उंदी तेंगो कोरी, सॉरी 1 kg चिकन था तो 3 पैकेट मसाला डाला और नमक डाला है ऑलरेडी, और एक गांव से लाया है। आज पप्पा गांव से आए तो उन्होंने लाया था, ये गांव वाला एग है, गांव का एग है। हमारे घर पे ही चिकन है ना, उसने दिया था तो मम्मी ने सब यहाँ पे दिए हमको खाने के लिए। तो अभी डिनर के लिए बना रहे कबाब सबके लिए, बच्चे का तो इसमें रखेंगे अभी कल के लिए भी, लेकिन मैरिनेट करके रखेंगे फिर कैसा, कल डायरेक्ट बना सकते, डायरेक्ट फ्राई कर सकते। ये अभी अच्छे से मसाला लग गया है, ठीक है, ऐसा इजी हो जाता है। फटाक से मसाला लाया, उसमें एक एग डाला, नमक डाला, हो गया। और वैभव भी आए थे नाइट राइड के लिए, देखने गए। अभी मैरिनेट करके बहुत टाइम रखा मैंने, अभी फ्राई कर रही हूँ इसको। मसाला भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है चिकन के साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बना रहे हैं नाश्ता के लिए नीर डोसा। सो पैन अभी रेडी हो गया, इट इज कॉल्ड नीर डोसा। हम मैंगलोरियंस में एक तो टैलेंट है, हम नीर डोसा को नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाने में भी खा सकते हैं। मैंगलोरियंस के घर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो नीर डोसा तो मिलेगा ही। मम्मी को कुछ नहीं मिला सुबह तो नीर डोसा इज ऑलवेज देयर। मैं अभी नीर डोसा सूखा मच्छी का रसा खा रही हूँ। फिर मैं और पप्पा काम कर रहे थे सोसाइटी का, थोड़ा पेंडिंग था काम, फिर दीदी अपना काम कर रही है ऑफिस का। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ कोकम शरबत मेरे लिए, दीदी के लिए और पप्पा के लिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम तीनों ही हैं घर पे, तो हम तीनों के लिए बना रहे, क्योंकि ये फ्रेश फ्रेश ही अच्छा लगता है। बीस में हम लोग थोड़ा नींबू डालते, वैसे नींबू डाल के फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अभी ट्राई कर रही हूँ, देखते क्या होता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा शुगर डाल रही हूँ क्योंकि वो सिरप में शुगर नहीं होता, मतलब जूस बनाने के बाद मीठा नहीं लगता। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डाला है शुगर अभी, देखते हैं। आइस भी डाल रही हूँ, आइस से थोड़ा अभी गर्मी में अच्छा लगेगा पीने के लिए।
गर्मी में थोड़ा सा आइस रहता है तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। पहले ही ऑलरेडी गर्मी इतना है कि पूछो मत। मटके से पानी लिया, ये सबको मिक्स करके, इसका सब मैंने ना ग्लास ऊपर नीचे किया था, इसका सब आइस इसमें आ गया। जब हम घर पे हैं तो हमको थोड़ा फैमिली के साथ ऐसा ही कुछ करके टाइम पास करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी का जनरेशन ऐसा हो गया है कि मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही है, मतलब या तो टीवी देखने में बैठ जाएंगे या तो फ़ोन, बच्चे तो फ़ोन ही लेके बैठ जाते एकदम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जूस रेडी हो गया, दे देते हैं पापा को। दीदी को देते उसके बाद फिर हम पीएंगे। इधर बैठ के काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। ये है मेरा ग्लास। और ये पूर्णिमा आ चुकी है घर पे कॉलेज से एग्जाम देके। कल कैसा था दिन, पढ़ पढ़ के थक गई बेचारी। हम एंजॉय कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रही है, यही दिन रह गया है अब देखना। तो गाइस अभी मैं मेरा चाय ले रही हूँ। ये मैंने सब बटर को डिजाइन कर दिया अच्छे से प्लेट में। अभी इसमें चाय डालते हैं। चाय बटर शाम को मिल जाए ना तो बस। चाय बटर इज एन इमोशन, हाँ बहुत अलग ही मज़ा है इसका। चाय के थोड़ा चाय ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। चाय की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी तो सही है। तो कमेंट्स में बताना किस किस को चाय बटर पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, चाय के साथ बटर मिल जाए तो उस दिन ही कुछ अलग है। तो अभी मैं खा लूँ। एक नंबर टेस्ट ही अलग है भाई, चाय और बटर का कॉम्बिनेशन ही एकदम सॉलिड है। तो कमेंट्स में बताना किस किस को पसंद है। तो गाइज अभी मैं किचन में आई तो सब बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, सो अभी क्लीन करके हमको खाना बनाना है रात का, सो लेट्स गो। अभी दाल का सब रेडी हो गया। तो गाइस किचन फुल क्लीन हो चुका है, हाँ बर्तन बाकी है लेकिन किचन क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे राइस मैंने क्लीन करके रखा है, उसको गैस पे रखना है। दाल ऑलरेडी रखा हुआ है और कबाब है जिसको फ्राई कर रहे हैं, वो हम बाद में जब खाना खाएंगे तब करेंगे। सो आज के डिनर के लिए इतना ही। हम देख रहे हैं IPL और अभी ये दाल में तड़का देने वाले। दाल ऑलरेडी कुक्ड हो चुका है। अभी दाल थोड़ा गाढ़ा है तो इसको हम थोड़ा पतला करेंगे। कल
बीच में लगा था चिकन वो कबाब फ्राई हो रहा है आज के डिनर के लिए। थोड़ा सा चिकन बचा दिया था आज के लिए क्योंकि कल ऑलरेडी सबके लिए जितना चाहिए था उतना फ्राई किया था, आज के लिए थोड़ा रख दिया था। अभी खाना खाते खाते आईपीएल देख रहे सुमे और दीदी अभी जा रहे नीचे थोड़ा ऐसे वॉक करने के लिए। खाना डिनर वगैरह हो गया तो ऐसे ही सोचा कि वॉक करने जाते हैं। हम लोग रोज़ जा रहे थे शाम को ग्राउंड में तो आज सोचा कि इधर ही जाते क्योंकि आज शाम थोड़ा बिजी था इसलिए। तो ये है ग्राउंड, हम यहीं पे वॉक करेंगे गोल गोल। वहाँ पे प्लेग्राउंड है बाजू में, कोई है नहीं नीचे, सब घर पे चले गए लगते हैं। मैं और दीदी आए नीचे, कोई नीचे कोई लोग मूल पड़े थे इनके पौधे इनके वर्क। सो घर के अंदर अभी इतना गर्मी गर्मी लग रहा है ना, सब बाहर आते थोड़ा सा ऐसा ठंडा ठंडा लगता है। ग्राउंड में जाते तो और ठंडा है लेकिन यहाँ पर भी अभी कूल लग ही रहा है क्योंकि अभी ग्राउंड बंद हो गया रहेगा। अभी ग्राउंड में जाएंगे तो फिर से रिटर्न आना पड़ेगा इसके लिए। सो गाइस ये देखो बिल्ली हमारे बिल्डिंग के नीचे देखो उधर भागा। इधर एक था और उधर एक गया किधर, तो इधर भी एक था, क्यूट थे दोनों भी। ये बुला रहा है म्याऊ। ये देखो कैसा हाथ पैर फैला के बैठा एकदम सेठ जैसा। रात को खाना खाने के बाद कितने लोग वॉकिंग के लिए आते, हमको लगता है सब घर पे है करके। तो अभी हमने भी बहुत राउंड मार लिया इधर ऐसा गोल गोल पूरा अपना ही, मतलब ये ना ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं आराम से, मतलब बड़ा गाड़ी सब नहीं आता। तो अभी हम भी राउंड राउंड मार रहे, अच्छा लगता है ऐसा वे टाइम पर, इससे ज़्यादा नॉइस भी नहीं रहता, अच्छा लगता है शांति। सो गाइस अभी हम घर आ गए वॉक करके और डिनर तो ऑलरेडी हो चुका था और घर आने के टाइम सब सोए हुए थे। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल में न्यू रहोगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।